टाइटल में आप लोगों ने देखा कि एक सप्ताह में 1000 सब्सक्राइबर, तो ये चीज आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या ये चीज पॉसिबल है कि एक सप्ताह में हम लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं और कितना सच है। आप लोग को ऐसे काफी सारे वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा कि कोई लिखता है 15 दिन में कंप्लीट कर लो, कोई लिखता है 1 महीने में कंप्लीट कर लो, कोई लिखता है 1 दिन में कंप्लीट कर लो। क्या ये पॉसिबल है? ये ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे आप 7 दिन में सब्सक्राइबर बना लोगे या फिर 15 दिन में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के साथ जो YouTube पे जो गुरु लोग हैं जिससे हम लोग सीखते हैं जब हम लोग नया चैनल शुरू करते हैं कि वो लोग कैसे शुरू किए, क्या क्या उसमें किए, क्या अपना कंटेंट दे रहे हैं। कभी तो ऐसा दिन था जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया उस टाइम मेरा भी 0 सब्सक्राइबर था, और 0 से मैंने भी कभी ऐसा दिन था जब 1000 सब्सक्राइबर को कम्प्लीट किया था। फ्रेंड्स, ये जो मेरा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो की स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं उन लोग के बारे में आप लोग से बात कर रही हूँ और उसमें सबसे पहला नंबर आता है मनोज डे का। सारे ऐसे भी क्रिएटर हैं जो अच्छा से आज तक टाइटल नहीं लगा सकते, लगा नहीं पाते, डिस्क्रिप्शन नहीं लगा पाते, टैग नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि मेरे हर एक वीडियो को फॉलो नहीं करते। मैं उनको करीब साल भर से फॉलो कर रही हूँ जब से मैं अपना चैनल स्टार्ट की, लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, कोई उनके वीडियो देखकर कुछ भी हेल्प नहीं मिला है। वो कहते हैं कि 1 दिन के अंदर 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 4000 वा चावर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो जैसा मेहनत करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। हम भी 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत कोशिश किए देखकर, हर रोज़ उनका वीडियो देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ भी फ़ायदा है। अगर ऐसा होना रहता तो वो ट्रिक हर कोई अपनाता और 1 दिन में अपना चैनल मोनेटाइज कर लेता। लेकिन प्लीज़ उस वैसे गुरु लोग से आप लोग दूर रहिए, बस अपना कंटेंट अच्छा दीजिए और मेहनत करिए, बहुत आगे तक जाइएगा। कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम घर बैठे ही इतना इनकम कमा पा रहे हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी बना पा रहे हैं, जो आदमी सोच भी नहीं सकता है। तो हम भी इसी तरह कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। या जो चैनल बना लिए हैं या फिर अब बनाने को सोच रहे हैं, तो कभी भी कोई भी काम में देरी नहीं होती है। जब जब भी आपका मन करे कोई भी चीज़ नया शुरुआत करने में थोड़ा डर लगता है, थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन जब आप शुरू कर दीजिएगा। हम भी अपना जब चैनल किए थे शुरू, तो हमको कुछ भी नहीं पता था। मेरे हस्बैंड उसमें बहुत सपोर्ट किए, वही हर चीज़ देखते गए। मेरे पास तो इतना समय है नहीं क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ है, दिन भर बच्ची और काम में ही बिजी रहती हूँ। तो वो देखकर हमको बताते थे कि ऐसा करो वैसा करो, तो हम धीरे धीरे इसमें थे। हमको तो कुछ बोलने भी नहीं जल्दी आता था कि हम क्या बोले, समझ में नहीं आता था, लेकिन अब हम बहुत कुछ बोल पा रहे हैं यूट्यूब के चलते। आप लोग हर रोज़ वीडियो डालिए, सोचिए कि क्या डालना है, लेकिन कुछ भी डालिए, लेकिन हर रोज़ डालिए। बीच में छोड़ के डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक ना एक दिन आपका चैनल मोनेटाइज ज़रूर होगा। और किसी भी गुरु पे आप लोग भरोसा मत करिए क्योंकि सब अपना चैनल प्रमोट करना चाह रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो जो आगे निकल जाता है वैसे ही कहता है हम ऐसे किए आप भी वैसा करिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सब एक दिन आगे निकल जाते हैं। हम बहुत करीब 2 साल से हर किसी का वीडियो देख रहे हैं। इन गुरुओं का थंबनेल देखने में ऐसा लगता है कि वाओ कितना अच्छा है, जैसे वीडियो खोलेंगे हमको कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वीडियो ख़त्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि उसमें ऐसा क्या है जो हम ऊपर में देखते हैं। तो बस वो सब फेक है, जो हम लोग को लगे कि बस हम वो चैनल हम लोग देखे। जैसे मनोज डे हो गए, और भी बहुत सारे गुरु हैं जो हम लोग को सीख देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस आप लोग मेहनत करिए, ज़रूर हम लोग भी आगे निकलेंगे और एक दिन यूट्यूबर ज़रूर बन के रहेंगे। चैनल का कंटेंट जो होता है वो अच्छा डाले, थंबनेल जो अच्छा है वो डाले, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने के लिए जो लगे कि हाँ कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि 1 दिन रातों रात को ये स्टार बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ सपने जो लोग देखते हैं सुबह लगे कह रही अब क्या, अब तो मैं यूट्यूबर बन गई, इतना मेरा फॉलोअर्स हो गए, व्यू आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग हैं जो 5-5 साल तक मेहनत कर रहे हैं, और कोई जो है जो 5 महीने में भी स्टार बन जा रहा है। वो तो खैर अपनी किस्मत की बात होती है, अल्लाह का बात होता है। सबसे पहले जो यूट्यूबर थे वो है कैरी मिनाटी, जो एक समय था जो आज उनको कौन नहीं जानता है।
और एक जो ऐसा समय था जो एक एक व्यू के लिए वो तरसते थे, रोते थे कि कोई भी मेरा चैनल देख लो ताकि एक व्यू आ जाए। आज उनको कोई नहीं, कौन नहीं जानता है। तो इसी तरह सबके साथ ऐसा ही होता है, जो भी पहले चैनल बनाता है वो एक एक व्यू के लिए तरसता है, और जब वो आगे निकल जाता है तो उसके लिए कोई मैं लाख आया कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा तो ऑलरेडी सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा है कि लाख भी व्यू आ गए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कभी खोल के भी नहीं देखते कि मेरा वीडियो पर कितना व्यू आया है या कि मेरा कितना ग्रो कर रहा है चैनल। लेकिन जो नए यूट्यूबर बनना चाहते हैं उनके लिए एक एक व्यू बहुत कीमती होता है, एक एक सब्सक्राइबर बहुत कीमती होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी मेहनत करिए, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं अपने सारे काम करने के बाद, अपने छोटे बच्चे को, मेरे 3 बच्चे हैं उन लोगों को संभालने के बाद फिर मैं अब वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं भी कुछ बन सकूँ। मुझे भी यूट्यूबर बनना है सबकी तरह, और मुझे यकीन है कि मैं एक दिन यूट्यूबर बनूँगी। आजकल जो गुरुजी लोग में जो ट्रेंड चला है, वो जो यूट्यूबर जो बहुत समय से बना रहे हैं उनके साथ वीडियो बनाकर वो अपना जर्नी कैसे शुरू किए वो सब दिखा के, क्योंकि लोग अब चैनल चल नहीं रहे, बहुत पुराने हो गए हैं, तो वो सब दिखा के हम लोग को बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं कि आप लोग भी देखिए कि कौन कैसे बनाया है, कौन कितना आगे निकल गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है,